अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुबीन, डायरेक्शन मेकर और ऑनलाइन इलम डॉट कॉम की जानिब से। ऑनलाइन इलम डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जो कि इंशाल्लाह जल्द लॉन्च हो जाएगी दिसंबर में, दिसंबर के एंड पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपनी वीडियो पे एंड स्क्रीन कैसे ऐड कर सकते हैं यूट्यूब पे, और जिसको ऐड करने का ये फ़ायदा है कि आप अपनी जो बाकी वीडियोस हैं उस पर भी वक्त के साथ साथ व्यूज़ बढ़ा सकते हैं और अपने चैनल के रैंक को बढ़ा सकते हैं ऊपर। कोई भी आपकी वीडियो अगर व्यूज़ नहीं कर रही तो आप उसको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में यूज़ करें ताकि वक्त के साथ साथ उसको भी व्यूज़ मिलते रहें और आपका जो रैंक है वो बेहतर हो जाए। और यहाँ ये एक यूट्यूब का ही फीचर है अपना, जो इसको आप यूट्यूब में ही यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कोई एक वीडियो यूज़ करते हैं जिसके एंड पे हमने बैक यूज़ करनी है एंड स्क्रीन, ये हमारा वीडियो का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था, और यहाँ पे अब हम एक ऑप्शन है इन्फो एंड सेटिंग के नाम से, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो का एडिटिंग बोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपकी वीडियो है जहाँ आपने एडिट करनी है और जिसके एंड पे आपने एंड स्क्रीन यूज़ करनी है। और हाँ, एनोटेशंस और एंड स्क्रीन एक ये ऑप्शन है, इन दोनों में से आप एक ही यूज़ कर सकते हैं बैक वक्त, और जो एंड स्क्रीन है वो आपके आखिरी 20 सेकेंड में शो होगी वीडियो के एंड पे। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड स्क्रीन के बटन पे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और इस वीडियो पे हमने यूज़ करना है अपना जो है एंड एंड स्क्रीन का ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आखिरी 20 सेकंड जो है हम इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड एलिमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दो तीन चार ऑप्शन है जिसके अंदर से आप तीन मैक्सिमम यूज़ करें और अपनी वीडियोस के जो बाकी वीडियोस के जो व्यूज़ हैं उसको भी मेंटेन रख सकते हैं। आप अपने चैनल का प्रमोट भी कर सकते हैं, किसी अपने दूसरे चैनल को भी प्रमोट कर सकते हैं और अपनी वीडियो वगैरह को भी प्रमोट कर सकते हैं। पहले हम सबसे पहले हम अपना जो वीडियो है उसको करते हैं। इसके अंदर तीन आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि जो आपने अभी रिसेंटली अपलोड की है वीडियो, और उसके बाद जो आपकी सबसे बेस्ट वीडियो है व्यूज़ के लिहाज से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और जो आपकी मोस्ट रिसेंट है वो भी खुद ही आ जाएगी, और आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं कोई वीडियो या प्लेलिस्ट। सबसे पहले मैं मोस्ट रिसेंट करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी खुद ही आ गई है, मुझे कोई चूज़ करनी नहीं पड़ी वीडियो। तो यूट्यूब जो वालों को पता है कि ये मेरी अभी रिसेंटली अपलोड की गई वीडियो है। उसके बाद एक और चीज़ तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, एक और वीडियो बेस्ट फॉर व्यूवर्स के हाल लिहाज से, यानी कि जो सबसे मेरी बेस्ट वीडियो है व्यूज़ के लिहाज से वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वो भी यहाँ पे ऑटो ऑटो जनरेट हो गई है, मुझे चूज़ नहीं करनी पड़ी। एक और वीडियो अपनी मर्ज़ी से, ताकि मेरा जो एक दूसरा कोर्स है SEO का वो भी साथ साथ रहे। यहाँ पे मैं अपनी जो SEO की इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ताकि जो मेरा पूरा कोर्स है उसका व्यूज़ बेहतर हो जाए। और इसके बाद अपने आप चैनल की प्रमोट भी कर सकते हैं, अपने चैनल का आप बटन बना के अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। आप ये जैसा कि ये बटन बन गया मेरे चैनल का, और यहाँ पे ये हो जाएगा अपलोड ऑटो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आप अपना जो है किसी दूसरे चैनल का जो है लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा जब भी आपकी ये वीडियो चलेगी। तो यही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आपके जो वक्त के साथ साथ जो है आपकी जो वीडियो को मेंटेन रखती है, व्यूज़ उसके बरकरार रहते हैं और आपका जो चैनल का रैंक है वो भी बेहतर हो जाता है। इसको आप यूज़ कीजिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और भी आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा,
उसके लिए आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।